नमस्कार दोस्तों, पोन मेरो जिसको हिंदी में मेरुरज्जु के नाम से भी जाना जाता है और यह है बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसके द्वारा बॉडी में कई फंक्शनल एक्टिविटी कंडक्ट होती है और इसको बॉडी का लाइफ लाइन भी बोला गया है। ये बोन मेरो क्या है, क्या इसके टाइप्स है, आज की क्लास में पूरा डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, उससे पहले वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वासु साइंस। वासु साइंस एक ऐसा चैनल जहां पर अपन साइंस के एकदम इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो क्या है, क्या इसके टाइप्स है वो पढ़े, उससे पहले अपन बात करते हैं कि बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि जब अपन को कहाँ प्रेजेंट ये समझ में आ जाएगा तो इजीली समझ पाएंगे कि बोन मेरो क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि बोन मेरो बोन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये जिसमें ये मेनली पार्ट है क्या, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी इसको बोलते हैं। बोन मेरो का पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एकदम पूरा डिटेल्स में अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो मेडुलरी कैविटी होता है उसी में ही बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ये लॉन्ग बोन का है। दूसरा बोन अपन देखते हैं, ये भी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, इसमें भी देखिए ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं अपन मेडुलरी कैविटी, इसी मेडुलरी कैविटी में ये प्रेजेंट रहता है बोन मेरो, ठीक है। ये लॉन्ग बोन का बात हो गया। लॉन्ग बोन में ऊपर की तरफ स्पंजी बोन होता है जिसमें भी रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसी में फ्लेट बोन में। फ्लेट बोन में कहां पर बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये फ्लेट बोन का डायग्राम है जिसमें ये और ये पार्ट, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और ये जो बीच में पार्ट है ये है स्पंजी बोन। कौन सा है, स्पंजी बोन। और इसी स्पंजी बोन में क्या प्रेजेंट रहता है, रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के माध्यम से अपन ने समझा कि कहां पर बोन मेरो बोन के पार्ट में, लॉन्ग बोन में, फ्लैट बोन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बोन मेरो है क्या, ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बोन मेरो सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और साथ ही साथ टिश्यू विद इन बोन कैविटी, और ये कहाँ प्रेजेंट है, बोन की कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं अपन। और नेक्स्ट है इसमें बोन मेरो हेल्प्स टू प्रोड्यूस बोन ब्लड सेल्स एंड स्टोर फैट। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। जो बोन मेरो है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ फैट को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद है इसमें बोन मेरो हाईली वेस्कुलर, इज ए हाईली वेस्कुलर, ठीक है। हाईली वेस्कुलर है ये क्यों, बिकॉज सप्लाइड लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये बॉडी में लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स की सप्लाई करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है अपन ने जिसमें मेनली लिखा है कि जो बोन मेरो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बोन के सेंटर में, ये लिखा है। देखिए बोन के सेंटर में प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करती है ब्लड वेसल्स को जिसमें मेनली व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसी के साथ साथ ये असेंशियल है फॉर द इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यून सिस्टम के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है बोन मेरो का कि इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, क्या स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स क्या काम करती है, ये स्टेम सेल्स लाइफ लाइन मतलब मृत्यु तक ये क्या काम करती रहती है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती रहती है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, अबाउट टू द बोन मेरो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बोन मेरो के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। यदि टाइप्स की बात करें बोन मेरो की, तो उससे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं अपन क्या, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी है, इसी मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट है ये बोन मेरो, और जिसका नाम है
येलो बोन मेरो, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी बोन मेरो प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं रेड बोन मेरो, ठीक है। देखिए दो टाइप हो गया, कौन कौन सा, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो, ठीक है। दो टाइप अपन ने देख लिया, येलो बोन मेरो और रेड बोन। अब येलो बोन मेरो क्या होता है, रेड बोन मेरो क्या होता है, वो पूरा डिटेल्स में पढ़े। उससे पहले पढ़ते हैं कि इन बोन मेरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए बोन मेरो का फॉर्मेशन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें पढ़ा था कि ओसिफिकेशन, इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और एंड्रोकोन्ड्रियल ओसिफिकेशन, जिसके द्वारा बोन मेरो का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। यहाँ भी अपन एक संक्षिप्त में देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस में बोन मेरो का फॉर्मेशन होता है। देखिए फर्स्ट स्टेज है ये, फर्स्ट स्टेज में है रेड बोन मेरो। फर्स्ट स्टेज 6 to 8 week प्रेगनेंसी, जब 6 to 8 week का प्रेगनेंसी होता है उस टाइम में क्या होता है, मेजेनकाइमल जो सेल्स होती है उनके द्वारा रेड बोन मेरो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रेड बोन मेरो आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होता है, येलो बोन मेरो में। और ये कंप्लीट कब हो जाता है, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले तक येलो बोन मेरो का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखिए और इसके बाद जैसे ही जन्म ले लेता है, तो जन्म के बाद फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, रेड बोन मेरो। और कंप्लीट रेड बोन मेरो का फॉर्मेशन कब हो जाता है, इन एडल्ट एज 16 to 21 ईयर जब एज होता है तब ये रेड बोन मेरो का कंप्लीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में चला कैसे, पहले रेड बोन मेरो से येलो बोन मेरो, फिर येलो बोन मेरो से रेड बोन मेरो, ठीक है। तो ये अपन ने स्टेज ऑफ फॉर्मेशन पढ़ लिया। इसके बाद अपन पर्टिकुलर बात करते हैं कि रेड बोन मेरो होता क्या है, ठीक है। अब देखिए रेड बोन मेरो जो है क्या होता है, कहाँ क्या इसके मैकेनिज्म होती है, इससे पहले अपन बात करते हैं कि रेड बोन मेरो कौन कौन सी बोन में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है। तो देखिए लिखा है स्कल बोन में प्रेजेंट रहता है, स्पाइन बोन में प्रेजेंट रहता है, पेल्विस बोन में प्रेजेंट रहता है, रिब्स बोन में प्रेजेंट रहता है, स्टर्नम में, शोल्डर ब्लेडर में और नियर आर्टिकुलर ऑफ लॉन्ग बोन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी तमाम जो बोन्स है वहां पर रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहते हैं। डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं, देखिए ये स्कल बोन हो गया, ये स्टर्नम हो गया, ये शोल्डर हो गया, शोल्डर पे ये पेल्विक रीजन हो गया, जहां पर मेनली रेड बोन मेरो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसमें जो रेड बोन मेरो होता है उसमें एक मैकेनिज्म कंडक्ट होती है जिसका नाम है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब कैसे रेड बोन मेरो में हीमोपोइसिस या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो देखते हैं। हीमोपोइसिस का जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है वो मेनली कि स्पेसिफिक स्टेम सेल्स होता है जिनके द्वारा होता है, जिसका नाम है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स आगे जाकर टू स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक होती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स, ठीक है। और ये दोनों स्टेम सेल्स, माइलोइड और लिम्फोइड सेल्स, दोनों मिलकर कंप्लीट फॉर्मेशन करती है ब्लड वेसल्स का, जो कि मेनली कौन कौन सी है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट। देखिए डायग्राम के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं हीमोपोइसिस कैसे कंडक्ट होता है। ये है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसमें मेनली माइलोइड स्टेम सेल्स हो गई और ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स हो गई। देखिए जो माइलोइड स्टेम सेल्स है उससे आगे जाकर मेनली इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का निर्माण होता है, मायोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो मायोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी है आगे जाकर कई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो कौन कौन सा है, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसोनोफिल्स हो गया और मायोसाइट्स, ठीक है, ये इसके टाइप। अब इसके बाद जो दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल्स था वो मेनली आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होता है, लिम्फोब्लास्ट में, और लिम्फोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। तो ये था हीमोपोइसिस, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखिए रेड बोन मेरो क्या होता है, पूरा कंप्लीट अपन ने पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं कि येलो बोन मेरो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि येलो बोन मेरो
प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लोकेशन पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी। और इसी में प्रेजेंट रहता है येलो बोन मेरो, ठीक है। येलो बोन मेरो का एक्चुअल पोजीशन अपन को पता लग गया कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुलरी कैविटी लॉन्ग बोन में। एक यहाँ नोट करने की बात है कि जो येलो बोन मेरो होता है वो केवल लॉन्ग बोन में प्रेजेंट रहता है, जबकि रेड बोन मेरो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बोन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं वापस। तो लोकेशन क्या हुआ? मेडुलरी कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर क्या क्या है इसका। देखिए जो बोन मेरो है इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फैट, देखिए इंपॉर्टेंट समझने की बात है क्या, कि जो येलो बोन मेरो होता है उसमें स्टोरेज रहता है किसका, फैट का, फैट का स्टोरेज, ठीक है। अब ये फैट एक स्पेसिफिक सेल्स में स्टोरेज रहते हैं, कौन सी सेल्स में, उस सेल्स का नाम है एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है, एडिपोसाइट सेल्स में ये स्टोरेज रहते हैं, ओके। अब ये जो स्टोरेज फैट है इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज है जब बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ये फैट रिलीज होती है और एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। लिखा भी है देखो, दिस फैट कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्सेज व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तब ये एनर्जी के रूप में काम आती है, ठीक है। देखिए इसके बाद एक अलग इसका कैरेक्टर है येलो बोन मेरो का, इसमें मीजल काइमल स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है, कौन सी, मीजल काइमल स्टेम सेल्स। अब देखिए ये जो मीजल काइमल स्टेम सेल्स, इनका फंक्शनल या बोल सकते हैं इनका कैरेक्टर क्या होता है कि ये एक अलग सेल्स में आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये मीजल सेल्स किस किस में कन्वर्ट होती है या डेवलप होती है, मेनली डेवलप इंटू बोन फैट कार्टिलेज और मसल्स सेल्स में, ठीक है। तो इसमें ये मीजल काइमल सेल्स कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था अपना क्या, येलो बोन मेरो जो कि मेनली मेडुलरी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, लॉन्ग बोन का स्टोरेज करता है किसका, फैट का, जो कौन सी सेल करती है, एडिपोज एडिपोसाइट सेल्स करती है और इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी के रूप में काम आती है। मीजल काइमल स्टेम सेल्स इसमें रहती है जो कि मेनली आगे जाके बोन फैट कार्टिलेज में मसल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जितना अपन ने क्लास पढ़ा उसका एक निचोड़ पढ़ते हैं कुछ पॉइंट में, जिसको अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये सीक्वेंस है, अपन ने पढ़ा था कि फॉर्मेशन कैसे होता है बोन मेरो का, पहले रेड बोन मेरो, फिर उसके बाद येलो बोन मेरो और फिर रेड बोन मेरो, ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन था, इसमें बोन मेरो प्रोड्यूस 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स, ठीक है। देखिए जो बोन मेरो होता है लगभग 200 बिलियन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, ओके। नेक्स्ट है बोन मेरो एसेंशियल फॉर द बॉडी फंक्शनल करेक्टली, इसका बोन मेरो का एक फंक्शन और क्या है कि ये बॉडी का फंक्शनल एक्टिविटी को करेक्टली करती है, मतलब सही सीक्वेंस में प्ले करने में रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद है इट कैरीज ऑक्सीजन टू द ऑर्गन एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि रेड बोन मेरो में किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, ब्लड, ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, ऑर्गन तक, और साथ ही साथ प्रिवेंट करता है किसे, इन्फेक्शन से, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि येलो बोन मेरो फाउंड ओनली लॉन्ग बोन, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ा था अपन ने कि केवल जो येलो बोन मेरो कहाँ प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन में, जबकि रेड बोन मेरो शॉर्ट एंड लॉन्ग बोन दोनों में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग असेंशियल इमरजेंसी कंडीशन में जो येलो बोन मेरो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड बोन मेरो में, ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। इसके साथ साथ येलो बोन मेरो प्रोड्यूस फैट एंड ब्लड सेल्स, ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि फैट का स्टोरेज कौन बोन मेरो करता है, येलो बोन मेरो, और ब्लड सेल्स रिलीज कौन करता है, प्रोड्यूस कौन करता है,
रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो हो गया फैट का स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट अपना लाइन लिखा है, एक लिखा है कि 1 लैख बोन मेरो ट्रांसप्लांट आर कंडक्टेड एवरी ईयर, ठीक है। देखिए क्लास स्टार्ट हुआ था उससे पहले बताया था कि बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, बोन मेरो, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बॉडी की पूरा फंक्शनल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब बोन मेरो में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस दौरान क्या करना पड़ता है कि बोन मेरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक डाटा जिसमें देखा गया है कि लगभग 1 साल में 1 लाख बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है। अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है वो पूरा डिटेल्स में अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें अपन ने मेनली देखा कि कैसे रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इनके टाइप्स है, हीमोपोइसिस क्या है, वो सारी चीजें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो सो फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और देखिए एक बात और है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपके लिए और साइंस का अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूं, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।